दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार को जमानत मिल गई है। मालीवाल मारपीट केस में विभव को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ विभव कुमार को जमानत दी। दिल्ली सीएम ऑफिस नहीं जा सकते हैं विभव कुमार, यह शर्त रखी गई है। ट्रायल के बारे में वो कोई टिप्पणी भी नहीं कर सकते, कोई भी सरकारी पद ग्रहण नहीं कर सकते विभव कुमार। इस तरह की शर्तों का उन्हें पालन करना पड़ेगा। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इस मामले में, क्योंकि फैसले के दौरान ये टिप्पणी सामने आई थी कि जमानत जो है वो नियम है और जेल अपवाद। इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि जब छोटे साधारण हूँ तो आप किसी व्यक्ति को 100 दिनों से अधिक समय तक जेल में नहीं रख सकते हैं। कोर्ट ने ये प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी से बोला और ये कहा कि औसत दर्जे की जो रिपोर्ट है उसमें देखें तो छोटे जो है औसत दर्जे की है। आपको यहाँ दोनों में संतुलन बनाना जरूरी है और ऐसे में आपको जमानत का विरोध नहीं करना चाहिए। और ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी और उस जमानत में ये कहा कि इस मामले में 51 से अधिक गवाह हैं और ये भी साफ किया गया है कि याचिकाकर्ता पहले से ही 100 दिनों से ज्यादा समय से हिरासत में है और भविष्य में जो सुनवाई करने का समय है ट्रायल का उसमें भी टाइम लगेगा। तो इन स्थितियों को स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी और कुछ शर्तें भी सामने रख दी जो आपने स्पष्ट किए हैं अभी। और इन शर्तों में ये सीधे तौर पर कहा गया कि वो पद नहीं ग्रहण करेंगे, कोई सरकारी पद नहीं ग्रहण करेंगे, सीएम के ऑफिस नहीं जाएंगे और साथ ही सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर ये साफ कर दिया कि जो जमानत है वो नियम है जबकि जेल में रखा जाना एक अपवाद। बहुत शुक्रिया पीयूष आपका इस जानकारी के लिए। विभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से शर्तों के साथ मिल गई है जमानत।